हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह एक बार फिर से आप सबके बीच में। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फॉर्मल गार्डन क्या होता है और हम इसको कैसे बना सकते हैं। आप देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे लोहिया पर्यावरणीय उद्यान पार्क गुप्तार घाट अयोध्या में उपस्थित हूँ। अब मैं आपको इस उद्यान के बारे में बताऊँगा और अंदर ले चलूँगा, दिखाऊँगा कि जो है हमारा फॉर्मल गार्डन किस तरह से ज्यामितीय के द्वारा बनाया गया है। जो इसके अंदर ज्यामितीय डिजाइन दी गई है वो कैसे दी गई है। हमारा जो फॉर्मल जो गार्डन होता है, औपचारिक जो गार्डन होता है, वो बनाने के लिए कौन कौन से जो है हमें ध्यान देना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, किस किस जो है सामानों का ध्यान देना है, और कौन कौन से पौधे हमारे कहाँ होने चाहिए, कौन से गमले हमारे कहाँ होने चाहिए, ठीक। और उसके बाद हमें जो गार्डन का लेआउट है वो कैसे तैयार करना है, लॉन कहाँ तैयार कैसे हमको बनाना है, और हमको जो है फुहारा कैसे बनाना है, और जो सीट होती है बैठने के लिए वो कैसे बनाना है, प्रसाधन जहाँ हमको कहाँ पे किस साइड में प्रसाधन रखना है, और जो गार्डन के देख रेख के लिए जो माली होते हैं उनका हाउस हमको किस तरफ जो है बनाना है, और उसके बाद जो हमको स्टोरेज रूम है वो सामान रखने का वो हमको किस तरह बनाना है, और उसके बाद गुलाब की जो क्यारियाँ होती हैं वो कहाँ होती हैं, ठीक। और हमको पाथ जो है कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है जिससे किसी तरह की दिक्कत परेशानी आने जाने में ना हो। आइए चलते हैं अंदर लोहिया पार्क के अंदर। देखिए, ये हमारा लोहिया पार्क है। अब हम एंट्री हो चुके हैं अंदर, अंदर एंटर कर चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ पर हमारा प्लांट जो है लगा हुआ है, बीच में हमारे पाथ हैं, और इसके दाएं साइड में और बाएं साइड में दोनों तरफ आप देखिए हेज लगी हुई है। हेज हमारी ये जो लगी हुई है ये मनोकामनी प्लांट की हेज लगी हुई है, जो यह एक ये बारहमासी पौधा है। ये पूरे पूरे वर्ष ऐसे ही हरा भरा रहता है, और इसमें जो है फ्लावर भी बड़े अच्छे आते हैं, वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत ही अच्छा महकता है, ठीक। आप देख रहे हैं गेट के साइड में ये एक जो है मोरपंखी का प्लांट लगा हुआ है। जैसे ही जितनी दूरी पे गेट से जितनी दूरी पे ये मोरपंखी का प्लांट इतनी लगा हुआ है, करीब ये 2 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है, सेम इतनी ही दूरी अपने जो है दाएं साइड में भी बाएं साइड में भी लगा हुआ है। जैसे दाएं साइड में लगा हुआ है सेम वैसे बाएं साइड में भी लगा हुआ है। और देखिए बीच बीच में आप देखिए ये बोतल पाम लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बोतल पाम को मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए बोतल पाम को जो है कि कैसे ये बोतल पाम लगे हुए हैं, ठीक। और अब मैं चलता हूँ, ध्यान दीजिए, आगे मैं चलता हूँ आप लोग को लेकर के। देखिए ये हमारा बीच में पाथ गया है, अंदर गार्डन के जाने का रास्ता। इसके दोनों तरफ देखिए गमले रखे हुए हैं, ठीक। और गमले में अलग अलग तरह की वैरायटियाँ लगी हुई हैं, जैसे ड्रेसीना हो गई, ये हमारी ड्रेसीना है लगी हुई है, और ये हमारा है रॉयल पाम कह सकते हैं या बेद पाम कह सकते हैं लगी हुई है। ये दोनों वैरायटियाँ इसके दोनों तरफ लगा हुआ है। और देखिए ये हमारा बोतल पाम है जो अभी बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। आप देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ गार्डन के अंदर कि कैसे कहाँ पे हमारा सीट होता है और कहाँ पे हमारा जो है फुहारा होना चाहिए, लॉन का एरिया हम कैसे डिसाइड करेंगे, और बैठने के लिए सीट को हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसको हम आपको आगे अंदर दिखाने वाले हैं गार्डन के अंदर। देखिए आप देखिए साइड में जो है बुगनवेलिया का भी प्लांट लगा हुआ है फ्लावर के रूप में, ताकि और अच्छा गार्डन को बनाया जा सके। और सबसे बड़ी जो इसमें ज़रूरत होती है कि गार्डन की का जो एरिया होता है वो जो हम लेंगे वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये क्रोटन का पौधा है, देख सकते हैं, ये आपका फिश ग्रिल पाम है, फिश ग्रिल पाम। ये बिल्कुल इसकी जो पत्तियां हैं मछली की तरीके हैं, देख सकते हैं।
देखिए अब हम गार्डन में इंटर कर चुके हैं, ठीक। औपचारिक गार्डन है ये हमारा, फॉर्मल गार्डन है। देखिए ये फॉर्मल गार्डन को ध्यान से देखिए कि ये हमारा लॉन है। ये लॉन बनाया गया है बैठने के लिए लोगों के लिए, ताकि लोग आराम से बैठें। और देखिए बीच में आप देख सकते हैं, पहले स्टेप पे देखिए, यहाँ पे देखिए गमले ढेर सारे रखे हुए हैं गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और उसके अंदर प्लांट लगे हुए हैं। और दूसरा बीच में ये आपका लाइटिंग की व्यवस्था की गई है पूरी बीच में, और ये आपका जो है सेकंड वाला उसके बगल में रखा हुआ है, ठीक। ये हमारा पहला स्टेप, जो हमारा पहला पाथ है, ये सीधे चला आ रहा है और ये सीधा हमारे गार्डन के चारों तरफ होता हुआ और फिर आके यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। यहाँ से दो रास्ते निकाले गए हैं ताकि हमारा जो भी पर्यटक आए घूमने के लिए, जो भी हमारे पर्यटक आए इसके अंदर, वो एक तरफ से घूमते हुए चले जाएँ और पार्क को देखते हुए चले जाएँ और एक तरफ से बाहर निकल जाएं। आइए आपको ले चलते हैं पार्क के अंदर कि कहाँ पे क्या लगा हुआ है। देखिए ये फाइकस का प्लांट लगा हुआ है, ये फाइकस का प्लांट लगा हुआ है और ये छाया देने के लिए, बारहमासी प्लांट ये भी है, ये छाया देने के लिए ये इसको लगाया जाता है। ये है हमारा जो है आपका एरिका पाम, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट यही है, इंडोर आउटडोर दोनों में चलता है ये। और देखिए हमारा जो गार्डन के दोनों तरफ देखिए आप, जो है प्लांट के साथ साथ में हेज का प्रयोग किया गया है। आपको मैंने बताया था गेट पे मनोकामनी का हेज बनाया गया है, लेकिन आप देखिए कि गार्डन के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो हमारा जो लॉन है, लॉन के चारों तरफ देखिए आप, ये गोल्डन डुरंटा का हेज बनाया गया है। और देखिए ये गोल्डन डुरंटा का जो हेज बनाया गया है, इसको देखिए किस तरह से इसकी आकृति को टॉपेरी रूप में बदला जा रहा है, ठीक। डिजाइन इसका बनाया जा रहा है जिसको हम टॉपेरी रूप भी कह सकते हैं, ठीक। देखिए आप ये इधर देखिए, ये आपका साइड में हमारे बाएं साइड में ये गुलाब की क्यारी बनाई गई है, गुलाब की क्यारी बनाई गई है। उसके पीछे जो पाम लगे हैं, ये चाइना पाम लगे हुए हैं, ताकि और अच्छा ज़्यादा सुंदर बनाया जा सके गार्डन को। देखिए किस तरह प्लांट लगाए गए हैं हर तरफ गार्डन के, और ये इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था होती है सिंचाई करने की, और गार्डन में सिंचाई करने की व्यवस्था सबसे अच्छी होती है। ये देखिए एक कचनार का पौधा है, ये लगाया गया है कचनार का पौधा, इसके अंदर फ्लावर भी आते हैं, गुलाबी कलर के फ्लावर आते हैं, देखिए फूल आया भी रहे हैं। ये हमारी ड्रेसिना की वैरायटी है, देखिए ये। अब देखिए यहाँ से फिर हम चलते हैं, बिल्कुल गार्डन के बीचों बीच में पहुँच जाएंगे। गार्डन के जब बीचों बीच में पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है फुहारा है, फाउंटेन रखा गया है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो हमारा फाउंटेन है, आप देख सकते हैं कि फाउंटेन के बीच में, फाउंटेन के चारों तरफ आप देखिए रास्ते दिए गए हैं। बीच में हमारा फाउंटेन है, चारों तरफ उसके रास्ते दिए गए हैं, चार रास्ते बनाए गए हैं ताकि हर तरफ से लोग आ करके और इस फाउंटेन का मज़ा ले सकें, आनंद ले सकें। इधर देखिए ये लॉन के साथ साथ में देखिए कि बच्चों के जो है क्या नाम है, खेलने के लिए, आनंद के लिए झूले लगाए गए हैं एक साइड में, एक किनारे पे आनंद लेने के लिए झूले लगाए गए हैं ताकि बच्चे यहाँ पे आनंद ले सकें। और उसके बगल में देखिए जो ये घेरा गया है जालियों से, ये आपकी गुलाब वाटिका है, इसके अंदर कई तरह की गुलाब की वैरायटियाँ जो है इसके अंदर लगी हुई हैं, ठीक। अभी गुलाब की निराई गुड़ाई चल रही है, जस्ट फरवरी में इसके फ्लावर आ जाएंगे और देखने योग्य हमारा जो है ये जो गुलाब का जो है है लॉन है, गुलाब की जो क्यारी है वो देखने योग्य हो जाएगी। ये देखिए ये गन स्प्रेयर मशीन है, इससे जो है हमारा पानी की पूरे लॉन की सिंचाई की जाती है, प्रेशर से पानी आता है और ये जो है क्या नाम है पूरे लॉन को जो है सिंचाई के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। आप देख सकते हैं, आप देखिए किस तरह लॉन को चारों तरफ से बनाया गया है।
देखिए किस तरह डिजाइन दी गई है। सामने देखिए हमारा, जैसे ही वो हमारा गेट का फ्रंट एरिया था, उससे हम जैसे ही इंटर होते हैं तो हमारे जो है दाहिने साइड में देखिए छोटा सा आवास दिख रहा है, वो माली का आवास है। ठीक, उसके बाद इधर आएंगे, इधर प्रशासन प्रसाधन है। इधर पे देखिए एक महिला का है और एक पुरुष का है, और उसके जस्ट बगल आप देखिए ये हमारा स्टोर रूम है। बाएं साइड आप देखेंगे ये हमारा स्टोर रूम है जो एकदम साइड में बना हुआ है। ये स्टोर रूम है, इसके अंदर सारे सामान रखे जाते हैं। देखिए किस हिसाब से डिज़ाइन से इसको काटा गया है, टॉपेरी का रूप एक दिया गया है। ये हमारा गुलाचीन का पौधा है, इसके अंदर वाइट कलर के फूल आते हैं, फूल आ भी रहे हैं। देखिए गुलाचीन का पौधा है, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। आप गार्डन को बनाने के लिए एक साइड से भी प्लांट को लगा सकते हैं कि एक क्यारी में आप जो है एक एवरेज की क्यारी में, एक एवरेज के हिसाब से एक क्यारी में आप फाइकस लगा सकते हैं, स्टार लाइट लगा सकते हैं, ठीक है, या जूनिपर्स लगा सकते हैं। ठीक, ये सब प्लांट आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक साथ में गुड़हल को लगा दिया गया है और आकर्षित करने के लिए, ताकि एक प्लांट ढेर सारे प्लांट है कि थोड़ा थोड़ा दूर पर लगा दिया गया है। यहाँ देखिए चांदनी लगाया गया है। यहाँ देखिए मिर्ची वाला गुड़हल लगाया गया है, कितने ढेर सारे फूल आ गए हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है गुलाब की कटिंग को तैयार किया जा रहा है। एक साइड में भी पौधे कुछ तैयार करने के लिए नर्सरी के अनुसार जो है ले लिया जाता है, ताकि जो पौधे सूख रहे हैं या कम हो रहे हैं उनको यहाँ से तैयार भी करके वहाँ पे लगा दिया जाए। यहाँ देखिए सिटिंग बैठने की व्यवस्था की गई है एक साइड में, ताकि लोग आ कर के बैठ सकें और आराम से बातें कर सकें, कोई डिस्टर्ब ना होने पाए। तो आपने देखा पूरे गार्डन को हमारे देखा, और जो है गार्डन को देखने के बाद इसके अंदर की सारी जो है अच्छे से जो इसके अंदर पौधे लगाने के जो टेक्निक हैं, जो तरीके हैं, आपने देखा कि किस तरह से पाथ के दोनों तरफ गमले लगे हुए हैं, गमले कलर किए हुए हैं। ठीक, और उसके बाद जो है हमारा सिंचाई के लिए गनर लगा हुआ है, ठीक, गन मशीन लगा हुआ है जो बहुत प्रेशर से, हाई प्रेशर से पानी को देता है। और लॉन को जो है सुंदर बनाए रखता है। और इसमें हमारी जो घास लगती है हमेशा लॉन में F1 घास लगी हुई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। देखिए ये हमारे गार्डन की सुंदरता थी, और ये हमारा जो है फॉर्मल गार्डन है और औपचारिक गार्डन है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि हम कैसे इनफॉर्मल गार्डन को कैसे उपयोग में लेते हैं, और कैसे जो है क्या नाम है वो उसके प्लांट्स हम किस तरह से बनाते हैं, और या किस तरह से हम उसको जो है क्रिएटिंग करते हैं कि वो सुंदर दिखने पाए। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।